Hare Krishna, we have completed our chapter. Now come to the exercises. Microbes can be seen through an instrument called a dish. The answer is microscope. Microscope. Dish need food, warm environment and moisture to grow. The answer is microbes. Dish cannot be made without the help of microbe known as yeast. The answer is curd. Microbes that eat leftover food, dead animals and plants are called decomposer. Now the question answers. Question 1. Why did the aloo bhaji packed by Nipu's mother get spoiled in the train? Train ke andar Nipur ki mother ke dwara jo aloo bhaji pack karke le jayi gayi thi wo kyon kharab ho gayi? The aloo bhaji packed by Nipur's mother get spoiled in the train because the microbes get plenty of food, water and warm environment to grow. हमें पता है कि microbes को develop होने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, plenty of food, water और warm environment की. तो train के अंदर उस जो है आलू भाजी को वो environment मिला, इसके कारण वो ख़राब हो गई. What is microbes? Microbes are very small organisms not visible to the naked eye. माइक्रोब्स ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं जो कि नेकेड आई के थ्रू भी नहीं देखे जा सकते हैं. दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट. और ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एनिमल्स और प्लांट में डिजीज़ को, बीमारियों को फैलाने में. देयर आर सम गुड माइक्रोब्स एज वेल दैट हेल्प अस टू प्रिपेयर फूड लाइक ब्रेड, कर्ड, केक्स, पिज्ज़ा, ढोकला, इडली, डोसा एक्सेट्रा एंड सम अदर that eat leftover food, dead animals, plants and help them to clean your environment. कुछ ऐसे microbes भी होते हैं जो हमें food को prepare करने में help करते हैं, जैसा कि हमने chapter में पढ़ा. तो वो है bread, curd, cake, pizza, ढोकला, idli and dosa. तो ये सब चीज़ें मतलब होता है microbes का meaning आपको बताया गया. Question number 3. Write 4 ways by which we can protect our food from getting spoiled. 4 ऐसी वे जिससे कि हम अपने फूड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्पॉइल होने से. वी कैन प्रोटेक्ट अवर फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय हीटिंग, कूलिंग, ड्राइंग, पिकलिंग एंड मेकिंग जेम्स. हमें हमने लेसन में पढ़ा ही सही कि हम किस किस 4 वे से हम अपने फूड को सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो वो हीटिंग, कूलिंग, ड्राइंग है ना, या फिर जेम बनाकर या पिकल बनाकर हम अपने प्रोडक्ट को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं. व्हाई इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल फूड मैन्युफैक्चरर्स टू राइट द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड द एक्सपायरी डेट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग पैकेट्स? क्यों ज़रूरी है कि किसी भी प्रोडक्ट पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट पैकेट पर कंपलसरी रूप से हो? इट इज़ कंपलसरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग and to write the date on the food packet so that the buyers can check the freshness of the product before buying. इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब कोई उसको ख़रीदता है तो उसकी फ्रेशनेस उस डेट से पता चलती कि ये प्रोडक्ट कितना फ्रेश बना हुआ है. तो इसलिए उस पर एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट होना ज़रूरी है. अब जो है नेक्स्ट जो है वो ये एक्सरसाइज में बता रही हूँ और उसके बाद में हम एक अदर एक्सरसाइज और बची है वो हम पेज नंबर 62 की वो हम इसके बाद बताएंगे. व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो माइक्रोब्स ऑन दिस अर्थ? क्या होगा अगर इस अर्थ पर माइक्रोब्स नहीं होंगे? डिस्क्राइब व्हाट यू फील इन टर्म्स ऑफ. अब यहाँ पे कुछ 2 कंडीशंस दे रखी है तो उनको आपको डिस्क्राइब करना है. 2 पॉजिटिव थिंग्स दैट वुड हैपन. 2 पॉजिटिव थिंग जो हो सकती है. एनिमल्स एंड प्लांट्स वुड नॉट सफ़र फ्रॉम एनी डिजीजेज. इससे एनिमल्स और प्लांट किसी डिजीज से सफ़र नहीं करेंगे. उसके बाद है फूड वुड नेवर बिकेम स्टेल. फूड जल्दी ख़राब नहीं होगा. अब 2 नेगेटिव थिंग दैट वुड हैपन. 2 नेगेटिव थिंग जो हो सकती है वो है फूड लाइक ब्रेड, कर्ड, केक्स, पिज़्ज़ा, ढोकला, इडली, डोसा एक्सेट्रा कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. ये चीज़ें इनसे नहीं बन पाएगी अगर माइक्रोब्स नहीं डेवलप होंगे तो. ह्यूज गार्बेज वुड एक्यूमुलेट सिंस देयर वुड बी माइक्रोब्स टू ईट लेफ्ट ओवर फूड, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो ये 2 कारण हैं जिनके कारण हमें नेगेटिव और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पता चलता है.
अब हमारी एक्सरसाइज सी बच गई है, उसको करते हैं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके लिए दो दो एग्जांपल आपको लिखना है। डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के द्वारा जो डिजीजेस होते हैं वो सोर थ्रोट फ्लू टाइफाइड कोलोरा, इसमें से कोई भी दो आप लिख सकते हैं। फूड वी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, जो फूड हम माइक्रोब्स की हेल्प से बनाते हैं तो वो है ब्रेड कर्ड केक पिज्ज़ा इडली डोसा, इसमें से आप कोई भी दो लिख सकते हो। फूड दैट डू नॉट गेट स्पॉइल्टेड इजीली, तो वो है जेम पिकल पटेटो चिप्स। हरे कृष्णा, मीट यू इन अनदर क्लास।